करता है अपने रब का, अपने माबूद का, अपने मालिक का। कलाम सुनो, अर्श से आवाज आती है। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिह व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا। याद रखो, जो शख्स भी शिर्क करते हुए मर गया है, अल्लाह उसके और गुनाहों को चाहे तो माफ कर दे, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। और अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स शिर्क करते हुए मरा है, फकत दल्ला दलालम बईदा, जो शिर्क करता है वो बहुत दूर गुमराहियों के अंदर चला जाता है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकत हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहु नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि याद रखो, जो शिर्क करते हुए मरेगा, जन्नत उसके ऊपर हराम कर दी गई है। व मावाहु नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और इन जालिमों का कोई अंसार, कोई मददगार भी नहीं रहेगा, न कोई दस्तगीर मिलेगा। जब जब तुम गुनाहों की पोटलियां लेकर, जब गुनाहों के गट्ठर लेकर, जब तुम पुल सिरात पर चलोगे और शिर्क की हालत में मरे हुए होगे और तुम्हारे कदम वहां डगमगाएंगे, अल्लाह की कसम, तो वहां ना कोई तुम्हें वली नजर आएगा, ना कोई मुर्शिद नजर आएगा। इसलिए शिर्क की हालत में बगैर तौबा के अगर मरोगे तो हरगिज़ हरगिज़ निजात नहीं हो सकती है। हजरत मुआज़ इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुसनद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए यह हुक्म दिया था और यह तालीम दी थी। हजरत मुआज़ कहते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुत्तिलता और हुर्रिक्ता, ए मुआज़ तेरे जिस्म की बोटी बोटी उड़ा दी जाए, तुझे जिंदा आग के हवाले कर दिया जाए, तुझे जिंदा भून दिया जाए, और तुझसे यह कहा जाए कि अल्लाह की जात में, उसकी सिफात में, उसकी इबादत में किसी चीज के अंदर तू शिर्क कर ले तो शिर्क न करना, अपने जिस्म की बोटियां उड़ा देना, खुद अंगारों के हवाले चले जाना, लेकिन कभी शिर्क न करना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, अब आइए, यह शिर्क की तारीफ, इस शिर्क का मफहूम आपकी समझ में आया कि नहीं आया? इंशाअल्लाह तबारक तआला आ गया होगा। अब आइए देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर रसूल बना करके भेजे गए, तो आपके दौर में जो मुशरिकीन थे, जिन्हें मुशरिक कहा जाता है, जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? मुशरिक कहा जाता है। अल्लाह के बारे में उन लोगों का अकीदा क्या था? क्या वो लोग मौजूदा दौर के जैसे हमारे मुल्कों के अंदर गैर मुस्लिमीन हैं, इन जैसा अकीदा था, या उनका अकीदा क्या था? हमारे मुल्कों में तो शर्मगाहों को भी अपना खुदा मान के पूजते हैं लोग, है ना? हमारे मुल्कों में कोई गाय को पूज रहा है, कोई भैंस को पूज रहा है, कोई शर्मगाह को पूज रहा है, कोई अपने हाथों से पता नहीं क्या क्या करके, क्या क्या चीजों, कोई कोई लिंग पूज रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इंसान के अज़्वे तनासुल को मर्दों के पूज रहा है, यहां तक नौबत। ऐसे लोग वो नहीं थे। वो मुशरिकीन मक्का अल्लाह के बारे में क्या तसव्वुर रखते थे? अल्लाह के बारे में उन मक्के वालों का क्या गुमान था, क्या अकीदा था, क्या फिक्र थी उनकी? इसके जानने की जरूरत है। और मौलवी हमारे मुल्कों के इस हकीकत को उम्मत के सामने खोलकर नहीं बतलाते। उसकी वजह यह है कि जहां कुफारे मक्का की हकीकतें बयान की जाएंगी, उनके पोल खुलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? दुनिया यह कहेगी कि मौलवी साहब, जब कुफारे मक्का ये सब करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, तो फिर उन्हें मुशरिक क्यों कहा गया? सवाल किया जाएगा। मौलवी जब जवाब देगा तो उसके राज खुलेंगे, खुद वो खुद भी उसी बीमारी में मुलविस नजर आएगा। इसलिए मौलवी साहब से अगर पूछा जाए कि भाई मुशरिकी ने मक्का क्या थे, तो सीधे कहते काफिर थे, काफिर, अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को सीधे कह देंगे, वो अल्लाह को नहीं मानते थे, बस। अब आप चुप हो जाएंगे, अल्लाह को नहीं मानते थे? ये झूठ है, ये झूठ है, और दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है। ये कुरान को झुठलाना है, कुरान का इनकार करना है। मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे। आइए इस हकीकत को हम समझते हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के अंदर इस हकीकत को बयान फरमाया है। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 82 आप उठा करके देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलइन सअलतहुम मन खलकहुम लयकूलुन्नल्लाह फअन्ना युफकून। ऐ मेरे हबीब, अगर आप पूछें इन मुशरिकों से, ये जो मक्के के लोग हैं, अगर आप इनसे पूछें कि उनको किसने पैदा किया है, उनको किसने, उनका निर्माण कौन है, उनको निर्माण करने वाला कौन है, उनको बनाने वाला कौन है, उनको पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह फरमाता है, तो ये मुशरिकीन कहेंगे अल्लाह।
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ तो ये क्या कहेंगे, अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है فَأَنَّ يُوفَكُونَ तो ये कहां भटके जा रहे हैं, जब मानते हो कि उनका तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह है तो सिर्फ उसी की इबादत और बंदगी क्यों नहीं करते। और देखें इसी तरह से आप सूरह यूनुस आयत नंबर 31 उठाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हकीकत को सूरह यूनुस के अंदर यूं बयान फरमाया है, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيَّتَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يدبر الامر فسيقولن الله فقل افلا تتقون। اے نبی اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے, آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے, زمین سے تمہیں روزیاں کون دے رہا ہے, امن یملک السما والابصار تمہیں تم جو کانوں سے سنتے ہو और आंखों से देखते हो इसका मालिक कौन है, किसने तुम्हें यह कान सुनने के लिए अता फरमाए हैं, किसने तुम्हें यह आंखें देखने के लिए अता फरमाई हैं, वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित कौन है जो मुर्दे से जिंदा करता है और जिंदे से मुर्दा करता है, वमन युदब्बिरुल अम्र और कौन है जो यह कायनात का निजाम चला रहा है, तदबीर कायनात कौन कर रहा है, फसयकूलून अल्लाह तो ये कहेंगे ये तमाम सब कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। ये कौन जवाब दे रहा है बोलो, हां ये जहन में रखना, ये मुशरिकीन मक्का हैं, अल्लाह उनकी हकीकत को बयान फरमा रहा है कि ये कहेंगे अल्लाह ही है। फकुल अफला तत्तकून तो ए मेरे हबीब ए मेरे रसूल इनसे कहिए अल्लाह से डर नहीं लगता, डरते नहीं हो, रोजी देने वाला वही, कायनात चलाने वाला वही, कानों का मालिक वही, आंखों का मालिक वही, आसमानों से बारिश नाजिल करने वाला वही, मारने वाला वही, जिलाने वाला नहीं, फिर शिर्क क्यों करते हो, डर नहीं लगता। इसी तरह से एक जगह और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अच्छी बात बयान फरमाई है, इसको जरा सा सुनिए, सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मोमिनून आयत नंबर 84 से लेकर 89 तक 89 तक आप पढ़ते चले जाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल लिमनिल अर्द वमन फीहा इन कुंतुम तालमून, ए नबी आप इनसे पूछिए कि जमीन और आसमान के अंदर जितनी भी चीजें हैं इसका मालिक कौन है, अगर तुम जानते हो ए मुशरिको ए काफिरो कुफारे मक्का अगर तुम जानते हो तो जरा बतलाओ कि इसका मालिक कौन है, सयकूलूना लिल्लाह तो ये कहेंगे ये सब का मालिक कौन है, अल्लाह है। कुल अफला तज़क्करून तो आए नबी आप कह दिए नसीहत नहीं हासिल करते हो, कुल मर रब्बुस समावाती सबई व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ए नबी इनसे पूछिए कि सातों आसमानों का अर्श आजम का मालिक कौन है, कौन है पालनहार, सयकूलूना लिल्लाह तो ये कहेंगे ये सब का मालिक कौन है, अल्लाह है। कुल अफला तत्तकून ए नबी कह दीजिए क्या तुम्हें डर नहीं लगता है, कुल मम बेद ही मलकू तो कुल शैहिन वहुआ युजीरो वाला युजारो अलैही इन कुल तुम तालमून, ए नबी इनसे कहिए कि ये बतलाओ हर चीज का मालिक हर चीज की मिल्कियत किसके हाथ में है, तसरुफ और इख्तियार मुख्तारे कुल कौन है, किसके हाथ में है ये जमीनों आसमान की डोरियां, वहुआ युजीरो वाला युजारो अलैह वो लोगों को पनाह देता है पर वो किसी की पनाह नहीं लेता, आखिर इस ये ताकत और कुव्वत किसकी है, इन कुल तुम तालमून अगर तुम जानते हो तो जवाब दो, सयकूलून अल्लाह तो वो कहेंगे कि ये सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए है, कुल फअन्ना तुसहरून तो ए नबी कह दीजिए क्या तुम्हारे पर जादू किया गया है, समझ नहीं आती है फिर क्यों शिर्क करते हो। मेरे अजीजों इन आयात से खुल्लम खुल्ला ये बात वाजे होती है कि मुशरिकीन सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की जाते पाक का इकरार करते थे बल्कि मुशरिकीन का यह अकीदा था कि तमाम कायनात का खालिक तमाम कायनात का मालिक और तमाम कायनात का राजिक और इस कायनात का मुदब्बिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, उन्हें इकरार था कि वो जिसे चाहे जिंदगी अता फरमाए, उन्हें इकरार था कि वो जिसे चाहे मौत अता फरमाए उसका कोई बिगाड़ सकता उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो जिसे चाहे पकड़े दुनिया की कोई ताकत उसे छोड़ा सकती नहीं छोड़ा सकती है, कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। फिर सवाल ये पैदा होता है आपके जहनों में भी ये सवाल कुलबुलाता होगा बचलता होगा कि फिर वो मुशरिक क्यों करार पाए जब वो अल्लाह के बारे में इतना अच्छा अकीदा रखते थे कि आजकल के ये हमारे जालिम कुफार नहीं रखते हैं तो फिर वो मुशरिक क्यों करार पाए गए, उनसे जंगें क्यों लड़ी गईं,